हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अगेन गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम बेसिक मैथमेटिक्स गाला क्वेश्चन पेपर 1 में सेक्शन नंबर बी, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 25 जो दिया गया है। क्या एग्जाम्पल नंबर 25, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 है, फाइंड द एंड टर्म ऑफ द एपी 18 16.5 15 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो आपको इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना है, एंड टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंड टर्म फाइंड करना है। ओके, चलो फर्स्ट पर हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ऑफ एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फॉर्मूला क्या है। तो मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है फॉर्मूला ऑफ एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इक्वल्स टू एन टर्म। मीन्स आपको एन टर्म फाइंड करना है, मीन्स आपको ए एन की वैल्यू फाइंड करना है इस एग्जाम्पल के अंडर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो ए एन मीन्स एन टर्म्स, ए एन इक्वल्स टू एन टर्म, डोंट नो सो क्वेश्चन मार्क। ओके, डन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन दैट सीरीज 18 16.5 15। ओके, सो इन दिस व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 18, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 18, कॉमन डिफरेंस फ्रेंड्स डी इक्वल्स टू, तो हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फॉर द फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू, और फॉर्मूला इज सेकंड टर्म, व्हाट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म सबट्रैक करेंगे। हमारा सेकंड टर्म है 16.5 माइनस फर्स्ट टर्म है 18, तो 16.5 में से 18 सबट्रैक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, 1.5। क्या मिलेगा, 1.5, बट कैसे, माइनस हो गए। ओके, बिकॉज 18 इज अ बिगर नंबर और बिगर नंबर की साइन यहाँ पे क्या दी है, माइनस दी है, तो हम लिखेंगे माइनस 1.5 और ये हमारा क्या मिला, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू प्राप्त हुई। ओके, सो नेक्स्ट, अभी हमारा जो फॉर्मूला है एपी का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चलो यह फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देयरफॉर ए एन, ए एन हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज रहेगा, डोंट चेंजेस, ए एन इक्वल्स टू ए, ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, एंड दिस वैल्यू इज माइनस 1.5। ओके, देयरफॉर ए एन इक्वल्स टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.5। ओके, सो 1.5 को एन के साथ मल्टीप्लाई करें। ओके, तो क्या है यहाँ पे, माइनस है ना, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 1.5 इंटू एन। ओके, और यही माइनस 1.5 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1.5 वंसा 1.5। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप, सो ए एन इक्वल्स टू 18 एज इट इज। ओके, और प्लस माइनस माइनस 1.5 एन प्लस 1.5 एज इट इज, तो देयरफॉर ए एन इक्वल्स टू, ओके, तो 18 एन प्लस 1.5, तो 18 में आप 1.5 ऐड कर दो, तो 18 प्लस 1.5 तो क्या आएगा, 19.5, और माइनस 1.5 एज इट इज, माइनस 1.5 एन एज इट इज। सो हमें जो यहाँ पे फाइंड करना था कि एन टर्म फाइंड करना था कि ए एन की वैल्यू क्या होगी, एन टर्म क्या होगा, तो हमारा आंसर आ गया ए एन इक्वल्स टू 19.5 माइनस 1.5 एन। ओके, सो राइट डाउन दिस एग्जाम्पल 2 to 3 टाइम्स एंड लर्न इट, एंड विश यू ऑल बेस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।